हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी को बारिश में अच्छे से परफेक्टली ड्राइव कैसे करें। तो गाइज, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, गाड़ी का इग्निशन को ऑन करना है। ये इग्निशन की ये ऑन, ये जैसे ही ये लाइट सारी ऑफ हो जाए वैसे ही हमने क्लच प्रेस करके ऑन करनी है गाड़ी। ब्रेक भी प्रेस करें, याद रखें। और अगर हमारी गाड़ी में, गाड़ी कह रहा हूँ, बार बारिश तेज हो रही हो, जैसे कि अभी हमारी नॉर्मल बारिश हो रही है, तो हमने ये नॉर्मल वाला वाइपर ऑन करना है। ये नॉर्मल वाइपर ऑन किया, इससे भी कुछ ना हो, जैसे मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही हो तो हमने नॉर्मल वाइपर ऑन करना है। अगर थोड़ी सी तेज हो रही हो तो हमने तेज वाला करना है। अगर उससे भी ज्यादा तेज हो रही हो, कुछ विजिबल ही नहीं हो रहा है, तो उससे भी ज्यादा तेज वाला कर लें। और गाड़ी की स्पीड है वो 40 किलोमीटर ही रखे तब। तो अभी हमारी बारिश थोड़ी कम है, तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस पे रख देना है। और गाड़ी को करना है, हमने अपनी हैंड ब्रेक एंगेज है हमारी, उसको रिलीज करेंगे। तो अभी हमने डाला फर्स्ट गियर और चलेंगे, और हो सके तो अभी चलते हैं अपनी एक ड्राइव पे। तो जैसे कि अभी ये नॉर्मल बारिश हो रही है, तो हमने स्पीड नॉर्मल ले, मतलब 60-80 रख सकते हैं। लेकिन अगर तेज़ बारिश हो रही हो तो गाड़ी की स्पीड जो है वो नॉर्मल ही रखनी है। तो अभी हम चल रहे हैं, तो ऐसे ही चलते चलते हमने जाना है। तो जैसे अभी हम जा रहे हैं, तो ये जैसे बीच में खड्डे आते हैं ना गाड़ी में, बारिश में तो पानी से भरे होते हैं, तो इनका पता नहीं चलता है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, गाड़ी को ना धीरे ही रखना है जब तेज बारिश हो रही हो। जब धीरे बारिश हो रही हो तो खड्डों का पता चल जाता है तब, क्योंकि जो पानी है उनका सरफेस एरिया थोड़ा कम होता है और खड्डों का लेवल जो है वो दिख जाता है। जैसे कि ये अभी दिख रहा है, तो ऐसे ही ये विजिबल हो रहा है। जैसे कि आगे भी देखिए तो ये विजिबल हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पे तेज बारिश होती है तो ये विजिबल नहीं होता है। तो मैक्सिमम अपना गियर जो है वो आप 4 तक ही रखें, और जैसे ये खड्डे आ जाएं तो गियर सेकंड पे कर लें। तो गियर सेकंड पे करने के बाद आपने क्या करना है, गाड़ी के नॉर्मल गियर में 4th में ही रखना है, 5th गियर ना करें, क्योंकि 5th गियर में जो गाड़ी है वो बहुत ही ज्यादा तेज चलती है, इस वजह से आप 5th गियर ना करें। तो अगर तो ये हमारी गाड़ी नॉर्मली चल रही है तो ठीक है, अगर हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसे गाड़ी को आराम से चलाना है, ताकि जो हमारे टायर्स हैं वो भी सलामत रहें और हम भी सलामत रहें। तो अब और गाइस, कई बार क्या होता है कि हमारी गाड़ी में जब हम बारिश हो रही हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, तो हमारी गाड़ी में ना शीशे पे जो है वो थोड़ी सी फॉग जमने शुरू हो जाती है, तो इससे भी हमारी विजिबिलिटी जो है वो लो हो जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से जो है आगे फ्रंट मिरर का ऑन कर देना है। इससे क्या होता है, विजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ये बीच बीच में ऑन करें, इसको लगातार ऑन ना रखें, क्योंकि गाड़ी की आपकी एवरेज भी कम होती है। अगर आपने एसी लगाया है तो आप फिर इसको ऑन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं रहेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।